कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है। परम मणिमौ सदानी मन्त्रं समुद्दिश्य रसायनं च भ्राम्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि पर्याय नामानि तवैव तानि श्रियं जगद्बोधविदौ विहायसि व्यदीपि नक्षत्रमिवैकमुद्गतम् स यस्य वस्तीर्थरथस्य सुव्रतः प्रवर्तको नेमिरनस्वरीं क्रियात् तन्नमामि परं ज्योतिं भवान् मनसि गोचरम् उन्मूलयत्य विद्यां यत् विद्याम् उन्मीलयत्यपि। हमारा आज का विषय है महाकवि धनंजय। न्याय शास्त्र को पढ़ते समय हमने एक श्लोक अनेक बार पढ़ा था, प्रमाण मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम् धनंजय कवेर काव्यम् रत्नत्रयम् पश्चिमम्। इसका अर्थ ये है कि प्रमाण के क्षेत्र में यदि कोई सर्वोत्कृष्ट है तो वो अकलंकाचार्य है, लक्षण निर्माण की कला में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो पूज्यपाद आचार्य है, और काव्य लिखने में यदि कोई सबसे अधिक कुशल है तो वो धनंजय कवि है। हमने अकलंकाचार्य के बारे में तो बहुत विस्तार से पढ़ा और पूज्यपाद आचार्य के बारे में भी लोग काफी कुछ जानते हैं, उनकी सर्वार्थ सिद्धि, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, ये प्रत्येक आध्यात्मिक मुमुक्षु व्यक्ति के कंठ के हार बने हुए हैं। इसलिए आचार्य पूज्यपाद से भी लोग सुपरिचित हैं, लेकिन धनंजय जो इन्हीं की कोटि में इन्हीं की पंक्ति में गिने जाते हैं उनसे प्राय जनता अपरिचित है। महाकवि धनंजय जो संस्कृत काव्य के क्षेत्र में संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में एक सर्वोत्कृष्ट कवि कहे जाते हैं, वे महाकवि धनंजय कौन थे, कैसे थे, इसके बारे में लोगों को प्राय कुछ भी पता नहीं है। इसलिए मैंने सोचा आज हम इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी जो मंगलाचरण के तीन श्लोक पढ़े हैं वे तीनों श्लोक इन्हीं महाकवि धनंजय के द्वारा लिखे हुए हैं। महाकवि धनंजय की तीन रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, व्याप उपलब्ध हैं। एक रचना का नाम है जो प्रत्येक जिनवाणी संग्रह में छपी पाई जाती है और लाखों लोग जिसका प्रतिदिन पाठ करते हैं, वो है विशापहार स्तोत्र। धनंजय कवि की
एक लोकप्रिय स्तुति विशापहार स्तोत्र है। दूसरी रचना उनकी नाम माला है, धनंजय नाम माला भी जिसको कहते हैं, पर जिसका मूल नाम नाम माला है। और ये भारतीय ज्ञानपीठ से भी छपी है और इसके अलावा भी सैकड़ों जगह से छपी है। प्राचीन काल में ये सब जगह कोर्स में थी, हर विद्यालय में, जैसे पाठशाला में बाल बोध पाठमाला पढ़ाई जाती है, ऐसे नाम माला हर विद्यालय में पढ़ाई जाती थी। संस्कृत का प्रत्येक विद्यार्थी नाम माला अवश्य पढ़ता था। लाखों करोड़ों इसकी प्रतियां छपती थी और हर विद्यार्थी को पढ़ना या क्या इसे कंठस्थ करना कंपलसरी होता था। ये नाम माला ऐसे छोटे रूप में भी जबलपुर से, यहाँ से, वहां से खूब छपी। अभी हम इन सब का परिचय प्राप्त करेंगे, तब आपको और इनसे विशेष परिचय पता चलेगा। तो पहली रचना है विशापहार स्तोत्र, दूसरी रचना है नाम माला या धनंजय नाम माला, या इसका एक और नाम चलता है धनंजय निघंटु। निघंटु संस्कृत का एक पारिभाषिक शब्द है, शब्द कोश को संस्कृत भाषा में निघंटु कहा जाता था। संस्कृत में जो प्राचीन शब्द कोश होते थे, जिनको घोट करके कंठस्थ करना जरूरी था, वे निघंटु कहलाते थे। तो धनंजय का निघंटु, ये सागर से छपी हुई है, जैन विद्यापीठ से, ऐसे और भी बहुत जगह से ये छपी हुई है। इसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। मैंने दूसरा श्लोक इसमें से पढ़ा था और तीसरा श्लोक उन्होंने एक धनंजय द्विसंधान महाकाव्य लिखा है। द्विसंधान महाकाव्य, देखो पहले तो महाकाव्य लिखना ही बहुत बड़ी बात होती है। हर आदमी महाकाव्य नहीं लिख सकता। कोई बहुत असाधारण प्रतिभा का धनी हो तो वो ही महाकाव्य लिख सकता है। अन्य लोग कितने भी बड़े कवि हों, वे प्राय छोटे मोटे काव्य लिखा करते हैं, खंड काव्य लिखते हैं, कुछ करते हैं, पर महाकाव्य एक बहुत बहुत शास्त्रीय विधा है। इसका एक बहुत सुंदर विधि विधान है। उसका जो उसमें जो पारंगत हो, प्रशिक्षित हो, वही महाकाव्य लिख सकता है। तो पहले तो महाकाव्य लिखना ही बहुत कठिन और मुश्किल काम है, उस पर भी द्विसंधान महाकाव्य लिख देना ये और भी बड़ी बात है। द्विसंधान महाकाव्य, द्विसंधान महाकाव्य का क्या मतलब होता है? द्वि माने दो, संधान माने अर्थ, संधान माने अर्थ, लक्ष्य। एक ऐसा महाकाव्य जिसके दो अर्थ निकलते हैं, आपको जानकर ये बहुत हर्ष होगा और बहुत आश्चर्य होगा कि संस्कृत साहित्य के इतिहास में यदि सबसे पहले किसी ने द्विसंधान महाकाव्य लिखा है समूचे संस्कृत साहित्य के इतिहास में, तो वो पहला जैन कवि है और उस कवि का नाम है महाकवि धनंजय। महाकवि धनंजय ने सबसे पहले द्विसंधान महाकाव्य लिखा। देखो द्विसंधान का मतलब है इस काव्य में, इस महाकाव्य में कुल मिलाकर 18 अध्याय हैं और 18 अध्यायों के कुल मिलाकर के 1105 श्लोक हैं, और 1105 श्लोक और 18 अध्याय
सब दो अर्थ बताने वाले हैं। एक प्रत्येक श्लोक का दो अर्थ है, प्रत्येक श्लोक का 1105 श्लोक सारे के सारे ऐसे हैं कि हर श्लोक के दो अर्थ हैं। कौन से दो अर्थ है? यदि पहला अर्थ लगाओगे तो वो रामायण कहलाएगी, पूरा रामचरित्र आ जाएगा, पूरा पद्म पुराण आ जाएगा, आप ऐसा समझ लो। और यदि दूसरा अर्थ लगाओगे तो पूरा हरिवंश पुराण निकल जाएगा, माने पूरे पद्म पुराण को और पूरे हरिवंश पुराण को एक ही किताब में, एक एक श्लोक में ही, 1105 श्लोकों में इस कवि ने संस्कृत साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम ऐसी काव्य चमत्कार की रचना प्रस्तुत की है। और इसके बाद और कई लोगों ने फिर परंपरा चली, इनके बाद तो बहुत लोगों ने फिर त्रिसंधान महाकाव्य भी लिखे, चतुसंधान महाकाव्य भी लिखे, एक ने सप्त संधान महाकाव्य लिखा, और एक कवि हुए हैं आज से 400 साल पहले, जैन कवि हैं जगन्नाथ, उन्होंने एक काव्य लिखा है चतुर्विंशति संधान काव्य। देखो ये चतुर्विंशति संधान काव्य है, चतुर्विंशति संधान काव्य का मतलब अब आप समझ गए होंगे। चतुर्विंशति संधान काव्य का चतुर्विंशति माने 24, एक श्लोक के 24 अर्थ है, हर श्लोक के 24 अर्थ है। ये पूरा का पूरा काव्य मेरे पास है और इस काव्य में हर श्लोक के 24 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ करते जाओगे तो ऋषभ देव का जीवन चरित्र आ जाएगा, दूसरा अर्थ पढ़ते जाओगे तो अजितनाथ का अर्थ आ जाएगा, उनके माता पिता जन्मभूमि और पंच कल्याणक का सबका वर्णन उन्हीं श्लोकों से निकलेगा जिनसे आदिनाथ का निकला है, तीसरा अर्थ करोगे तो संभवनाथ का निकलेगा, चौथा करोगे तो अभिनंदन नाथ का, 24वां अर्थ करोगे तो महावीर स्वामी का अर्थ निकलेगा। क्या गजब की प्रतिभा है, क्या जैन कवि भी कैसे कैसे प्रतिभाशाली। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग हमारी इस प्रतिभा को क्यों नहीं पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। आज आप सबका इधर ध्यान आकर्षित हो, इसलिए मैंने आपको ये बताने का सोचा है कि धनंजय जैसे महाकवि पर बहुत व्याख्यान होने चाहिए, गोष्ठी होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आज कोई इनके ग्रंथों को पढ़ता नहीं, छपाता नहीं, खरीदता नहीं, इनकी कोई चर्चा ही नहीं है, जाने क्या हो गया है। और इतने बड़े महाकवि, और देखो मैं और भी कई बातें इसके बहाने आपको हमको शिक्षा मिल, मैं तो मेरे अनेक साथियों से ये कहना चाहता हूं, अपने मेरे साथ में आज देखो अनेक विद्यालय खुले हुए हैं और विद्यालयों में अनेक शास्त्री विद्वान तैयार हो रहे हैं संस्कृत के, और उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि ये आचार्य नहीं थे, ये कोई समंत भद्र अकलंक आप कह सकते हो, भाई समंत भद्र अकलंक की बात तो न्यारी थी, विद्यानंद आचार्य की बात तो न्यारी थी, वादीव सिंह सूरी की बात तो न्यारी थी, हम उनका मुकाबला कैसे करें। लेकिन ये धनंजय कवि, ये तो सेठ थे, ये तो गृहस्थ थे, हमारे आपके जैसा इनका जीवन था, और फिर भी ये इतनी सुंदर काव्य रचना करते थे। इनकी भक्ति
क्या विशापहारी स्तोत्र लिखा है, जैन कवियों की भक्ति देखो तो वो अपूर्व है, जैन कवियों का काव्य देखो तो वो अपूर्व है, अध्यात्म देखो, न्याय देखो, कोई विषय देखो, इनका भूगोल देखो, इनका खगोल देखो, इनका गणित देखो, इनकी काव्य प्रतिभा देखो आप। इसलिए मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आपको इस धनंजय कवि से मैं परिचित कराऊं, मैं भी स्वाध्याय करूं। मैं बहुत प्रभावित हूं और बार बार इस कवि को यदा कदा पढ़ता ही रहता हूं, इसलिए आज थोड़ा परिचय धनंजय कवि का आपको देना चाहता हूं। महाकवि धनंजय किस ग्राम में पैदा हुए थे, उनका जीवन परिचय क्या है, ये हमको आचार्यों की तरह ही कुछ भी उपलब्ध नहीं होता है। जैसे हम हमारे आचार्य बिल्कुल निष्प्रय होते थे, आत्म श्लाघा से बहुत दूर रहते थे, ऐसे ही धनंजय कवि ने इतने बढ़िया बढ़िया महाकाव्य लिखकर भी अपने बारे में कहीं कोई दो शब्द नहीं लिखे हैं। हमको ये जो श्लोक एक मिलता है नाम माला में, प्रमाण मकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणम धनंजय कवेर काव्यम रत्नत्रय मपश्चिमम, ये श्लोक भी हो सकता है उन्होंने स्वयं ना लिखा हो, क्योंकि उनकी धनंजय नाम माला 200 श्लोकों में पूर्ण होती है ऐसा कहा गया है, और ये तो श्लोक नंबर 202 है, बाद में लिखा गया है, इसलिए हो सकता है किसी ने बाद में टीकाकार ने प्रशस्ति की तरह इस श्लोक को जोड़ा हो। महाकवि धनंजय अपने आप को अकलंक और पूज्यपाद के साथ बिठा करके कहते कि मेरे से बड़ा उत्कृष्ट कोई कवि नहीं है, मेरे से उत्कृष्ट कोई काव्य लिखने वाला नहीं है, ये बात कुछ हृदय को स्वीकार नहीं होती है। जो भी हो, पर इतना परिचय मिलता है। इसके अलावा जो टीका है, इनके सभी ग्रंथों पर कई कई संस्कृत टीकाएं मिलती है, ये और आश्चर्य। द्विसंधान महाकाव्य की 4 संस्कृत टीकाएं मिलती है, नाममाला की 10 संस्कृत टीकाएं मिलती है, और विशापहार स्तोत्र की 4 टीकाएं मिलती है। ये कितने, मैं ये बताना चाहता हूं, आज जिन चीजों की हमने उपेक्षा कर रखी है वे हमेशा उपेक्षित नहीं थे, हमेशा तो वे बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे, बहुत ज्यादा प्रचलन में थे, ग्रामे ग्रामे गली गली में पढ़े पढ़ाए जाते थे, ऐसे ये ग्रंथ थे। आज हमने उनकी उपेक्षा की है और यही कारण है कि आज विद्वत्ता का बहुत ह्रास होता जा रहा है। अगर आपको सही अर्थों में विद्वान बनना है तो महाकवि धनंजय को एक बार पढ़ना काफी है। धनंजय को एक बार पढ़ो तो शरीर में रोमांच होता है, फुरफुरी आती है, ऐसा महाकवि। तो ये इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये कौन है, कैसे है। और इस टीका में ही, नाममाला की टीका में एक जगह एक कवि ने इतना लिखा है कि धनंजय कवि के पिताजी का नाम वसुदेव था। उन्होंने कहीं नाममाला में से ही कहीं निकाला है कि ऐसा लगता है कि उनके पिताजी का नाम वसुदेव था और उनकी माता का नाम श्रीदेवी था, और उन्होंने अपने गुरु का भी कहीं कुछ स्मरण संकेत में किया लगता है, और उससे पता चलता है कि उनके गुरु का नाम दशरथ था। ये इतनी सी जानकारी मिलती है
और वे कहाँ के रहने वाले थे हमें इतना भी ठीक से पता नहीं चलता है कि ये उत्तर भारत के थे कि दक्षिण भारत के थे, लेकिन थे अद्भुत कवि। और इनके बारे में ऐसा समझा जाता रहा है कि ये 12वीं शताब्दी में हुए हैं। देखो, आपको एक और कमाल की बात बताऊं। मैंने आपको बताया कि धनंजय पहले संस्कृत कवि है संस्कृत साहित्य के इतिहास में जिन्होंने द्विसंधान संधान काव्य लिखा, पहला कवि संस्कृत में। बाद में और लोगों ने काव्य लिखे संधान काव्य, लेकिन पहला कवि है। तो इसको थोड़ा आगे खिसकाने की भावना रही हो, जो भी रही हो, लेकिन ऐसा माना जाता रहा है कि धनंजय तो 12वीं शताब्दी के कवि हैं। इनको 12वीं शताब्दी का कवि माना जाता रहा है। लेकिन अभी जब धवला आदि ग्रंथ छप गए और इन पर रिसर्च हुई, नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने एक बहुत बढ़िया किताब लिखी है संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का योगदान, भारतीय ज्ञानपीठ से छपी है, और मैं इस पुस्तक का दीवाना हूँ। बहुत किताबें मैंने बहुत प्रोफेसर्स को भेंट की है, और संस्कृत काव्य के विकास में जैन कवियों का क्या योगदान है, ये जानना हो तो ये किताब जरूर से जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें भी उन्होंने रिसर्च की है धनंजय कवि पर, और 20 पेज लिखे हैं इस पुस्तक में धनंजय कवि के बारे में और उनकी रचनाओं के बारे में। 20-22 पृष्ठ लिखे हैं नेमीचंद शास्त्री ज्योतिषाचार्य ने। तदनुसार धनंजय कवि ने जो श्लोक लिखे हैं वे श्लोक अनेक आचार्यों ने उद्धृत किए हैं। जैसे वादिराज सूरी एक आचार्य हुए हैं। देखो, आप सोचो के धनंजय कवि एक गृहस्थ विद्वान, और उसकी कविता को कौन कौन उद्धृत कर रहे हैं? वादिराज सूरी अपने पार्श्वनाथ चरित में उसे उद्धृत कर रहे हैं। सूक्ति मुक्तावली में उसको उद्धृत किया जा रहा है। अरे और तो और आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवला में उद्धृत किया है। आचार्य वीरसेन स्वामी को एक जगह ये बताना था कि इति शब्द का क्या अर्थ होता है। देखो, इति 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 समझ गया ना, इति छोटा ई और छोटा ती, इति शब्द का क्या अर्थ होता है ये बताने के लिए, इति शब्द का अर्थ बताने के लिए सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य वीरसेन स्वामी को प्रमाण देना पड़ा धनंजय कवि की नाम माला का, कि देखो इति शब्द के ये अर्थ होते हैं। माने धनंजय कवि और उनकी नाम माला को जिसे वीरसेन स्वामी सादर उद्धृत करते हैं, वे धनंजय कवि कितने प्रणम्य होंगे, कितने स्तुत्य होंगे और कितने महान होंगे, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। बताओ, तो धनंजय कवि, और इसी बात से ये सिद्ध हो गया कि वीरसेन स्वामी तो 9वीं शताब्दी में हुए। तो जब वीर 9वीं शताब्दी का आचार्य धनंजय कवि को उद्धृत कर रहा है, इसका मतलब है धनंजय कवि उनसे पहले हुए हैं। तो ये सिद्ध हो गया कि अकलंक के बाद और वीरसेन से पहले धनंजय कवि गारंटी से हुए हैं, और धनंजय कवि का समय होना चाहिए 8वीं और 9वीं शताब्दी।
यानी कि आज से लगभग 1200 वर्ष पहले, 1150 वर्ष पहले ये धनंजय नाम के महाकवि हुए हैं और इन्होंने तीन ग्रंथ आज हमको उपलब्ध होते हैं। पहले ग्रंथ का नाम है नाममाला, दूसरे ग्रंथ का नाम है द्विसंधान महाकाव्य और तीसरी रचना का नाम है विशापहार स्तोत्र। एक एक लाइन में संक्षिप्त परिचय तो आपको मैंने दे ही दिया कि विशापहार स्तोत्र के बारे में ये प्रसिद्धि है, ऐसा आप सबने किंवदंती सुनी होगी कि विशाप एक बार सेठ धनंजय के पुत्र को सर्प ने डस लिया था और वो विशापहार मंत्र स्तोत्र को पढ़ा। उनकी पत्नी ने वो पुत्र को मंदिर में पूजा कर रहे थे। देखो सेठ धनंजय, मुझे इनका विशापहार स्तोत्र के भी बहुत सारे श्लोक कंठस्थ है, मैं यदा कदा पढ़ता रहता हूँ और क्या अपूर्व भक्ति है। अभी आपको श्लोक सुनाया ना, विशापहारम मणिमौषधानी मंत्रम समुद्देश्य रसायनंच ब्राह्म्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। क्या अर्थ हुआ इस श्लोक का के हे भगवान, चिंतामणि रत्न पारस पत्थर ये सब चाहते हैं और इनको खोजते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ये सब तो आपके ही पर्यायवाची नाम है। देखो विशा चिंतामणि, दुनिया चिंतामणि रत्न चाहती है, पारस पत्थर चाहती है, कोई रसायन चाहती है, मगर वो और उनको खोजती फिरती है, चिंता करती है, मिलते नहीं है, मिलते नहीं है, कहाँ है, अब जमाना गया, अब तो नहीं मिलते हैं। लेकिन धनंजय कवि लिखते हैं, ब्राह्म्यन्त्य हो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। हे जिनेन्द्र देव, 14वां नंबर का श्लोक है। हाँ वेरी गुड, शाबाश संदेश भैया, देखो कितना अच्छा है, बहुत ध्यान देने लायक है, आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, मुझे तो बहुत ही पसंद है। अगर इसको अच्छे से समझ जाओ तो जीवन में बहुत आनंद छा जाएगा, निहाल हो जाएंगे। पूज्य पाद आचार्य ने लिखा है, एकापि समर्थेयम् जिन भक्ति दुर, एक जिन भक्ति सब कुछ कर सकती है। विशापहारम मणिमौषधानी मंत्रम समुद्देश्य रसायनंच ब्राह्म्यन्त्यहो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। हे जिनेन्द्र देव, दुनिया विशापहार यंत्र मंत्र क्या है, चिंतामणि क्या है, औषधि क्या है, रसायन क्या है, वो पारस क्या है जो सोना बना दे लोहे को, इन सब को चाहती है और इनको खोजती फिरती है, सारी दुनिया में भटकती फिरती है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि ये सब तो आपके ही पर्याय नाम है। क्या बढ़िया बात, ब्राह्म्यन्त्य हो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। हे जिनेन्द्र देव, ये तो आपके ही पर्यायवाची नाम थे, कहाँ चले गए तुम ढूंढने के लिए, यही रहते तो ऐसा ये विशापहार स्तोत्र है। और जो द्विसंधान महाकाव्य है उसका दूसरा नाम है राघव पांडवीयम,
द्विसंधान महाकाव्य का एक नाम बहुत प्रसिद्ध है और वो नाम है राघव पांडवीयम। राघव पांडवीयम नाम क्यों है? क्योंकि हर श्लोक के कितने श्लोक हैं? 1105 महाकाव्य है और 1105 श्लोक भी कैसे हैं? 31 प्रकार के छंद हैं। संस्कृत में छंद लिखना, 31 प्रकार के छंद लिखे हैं, तरह तरह के छंद है। वीर रस का वर्णन होगा तो अलग छंद है, श्रृंगार रस का वर्णन है तो अलग छंद है, तत्व का प्रतिपादन करना है तो अलग छंद है, किसी उद्यान का वर्णन करना है तो अलग है, राजा और मंत्री का वार्तालाप है तो अलग छंद है, राजा और रानी का वार्तालाप है तो अलग छंद है। 31 प्रकार के छंद। मुझे याद आता है धनंजय कवि के बहाने अमृत चंद्राचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक श्लोक लिखा है, आत्मा प्रभावनीयो रत्न त्रय तेजसा सततमेव दान तपो जिन पूजा विद्यातिशयैश्च जिन धर्मः। जिन धर्म की प्रभावना करो तो बोले कैसे करे कि या तो रत्नत्रय से अपनी आत्मा को चमकाओ चमकाओ, रत्नत्रय से दीपित करो, और अगर तुम में प्रतिभा है, शक्ति है, तुम्हारी सामर्थ्य है, ऐसा योग बना है कर्मोदय से, तो दान तप प्रतिभा विद्यातिशय काव्यत्व नाना प्रकार से जिन धर्म की प्रभावना करो। तो ये धनंजय महाकवि ऐसे ही है, राघव पांडवीयम। एक अर्थ करो, कैसा कमाल है, पूरी किताब को आप पढ़ जाओ, एक बार पढ़ोगे तो आपको लगेगा मैं रामचरित पढ़ रहा हूं, और दोबारा पढ़ोगे दूसरे अर्थ से तो आपको लगेगा मैं पूरा पूरा पांडव चरित्र पढ़ रहा हूं, हरिवंश पुराण पढ़ूंगा ऐसा, और वो भी इतिहास में सबसे पहले, किसी की नकल नहीं की, ऐसा नहीं कि कोई कर रहा था किसी ने किया था। क्या धनंजय कवि होंगे जिनको वीरसेन आचार्य उद्धृत कर रहे हैं? इति शब्द का क्या अर्थ होता है ये बताने के लिए उन्होंने नाम माला का श्लोक उद्धृत किया कि इति के इतने अर्थ होते हैं और ये अर्थ यहाँ पर ग्रहण करना, ऐसा ऐसा वीरसेन आचार्य को प्रमाण चाहिए तो उन्होंने यहाँ से निकाला। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इस द्विसंधान महाकाव्य का मंगलाचरण सुनाता हूँ। मंगलाचरण के भी दो अर्थ है। देखो, आपको मंगलाचरण सुनाता हूं जो मैंने अभी पढ़ा था, आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। देखो, संदेश भैया ने स्क्रीन पर लगाया है द्विसंधान महाकाव्य का। पूरे तो अपन कैसे पढ़े, पर आप एक मंगलाचरण सुनो इसका। श्रियम जगत बोध विदौ विहायसी, ध्यान से सुनना इसको, बहुत ध्यान से सुनो। धनंजय कवि की कवि के एक चावल तो चखे, क्या उनकी रसोई में मिष्ठान भरे हुए हैं? देखो तो सही, एक श्लोक सुनो। श्रियम जगत बोध विदौ विहायसी व्यदीपि नक्षत्रमिवैक मुद्गतम सयस्य वस्तीर्थ रथस्य सुव्रतः प्रवर्तको ने मिरनस्वरीं क्रियात। इस श्लोक के भी दो अर्थ हैं। एक अर्थ करूंगा मैं तो मुनि सुव्रत तीर्थंकर को नमस्कार होगा, और मैं दूसरा अर्थ करूंगा तो नेमिनाथ तीर्थंकर को नमस्कार होगा। देखो, इस श्लोक के दो अर्थ,
और दो अर्थ में एक अर्थ से क्या होगा, 20वें तीर्थंकर मुनि सुब्रत नाथ को नमस्कार होगा और दूसरे अर्थ से नेमिनाथ भगवान को बताओ एक ही श्लोक से पूरा हर हर शब्द दोनों पर लागू होगा। और दो यही दो क्यों चुने, 24 में से आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई अब्बल उस्ताद होगा तो इस मंगलाचरण से ही समझ जाएगा कि कौन सा खेल दिखाया जाने वाला है आज। जो समझदार होते हैं वे नाटक के पहले सीन से ही समझ जाते हैं कि आज कौन सा नाटक आने वाला है। ऐसे ही इससे पता चल जाना चाहिए। देखो क्यों मुनि सुव्रत नाथ को और नेमी नाथ को ही क्यों नमस्कार किया कि इस किताब का नाम है राघव पांडवीयम। राम का चरित्र पूरा सुनाना है, पद्म पुराण भी सुनाना है और हरिवंश पुराण भी सुनाना है। और पद्म पुराण की घटना जब घटी है तो वो मुनि सुव्रत नाथ के तीर्थ काल में हुई है, इसलिए मुनि सुव्रत नाथ का स्मरण किया जा रहा है। और हरिवंश पुराण की महाभारत की जो घटना घटी है वो नेमिनाथ भगवान के शासन में घटी है, तीर्थ काल में घटी है, इसलिए नेमिनाथ को नमस्कार है। और चर्चा वही वीतरागता और सर्वज्ञता की। देखो श्रियम जगत बोध विदौ विहायसी, श्रिय माने लक्ष्मी, जगत बोध, जगत माने तीन लोक, तीन लोक का बोध माने ज्ञान, जिनके पास में केवल ज्ञान रूपी श्री है, जिनके पास केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी है, और वो भी कैसी है, जगत बोध विधौ, वो के जगत को बताने में, पूरे लोकालोक को झलकाने में वो केवल ज्ञान लक्ष्मी कैसी है कि जैसे विहायसी, विहायसी माने आकाश में, व्यदीपी माने चमकता है, नक्षत्रम एकम उद्गतम, जैसे पूरे आसमान में एक तारा चमकता है, ऐसे ही जिनके केवल ज्ञान में ये संपूर्ण लोकालोक एक तारे के समान दिखाई देता है, माने उनका केवल ज्ञान आकाश के समान है और ये जगत एक तारे के समान है, जैसे जिनके ज्ञान में झलकता है वे तीर्थरथ, तीर्थरथ माने तीर्थंकर, तीर्थ रूपी रथ के प्रवर्तन करने वाले, अच्छे व्रत के धारण करने वाले। नेमी शब्द के भी दो अर्थ है, सुव्रत शब्द के भी दो अर्थ है। सुव्रत शब्द का एक अर्थ मुनि सुव्रत भगवान है और दूसरा अर्थ संयमी, तपस्वी, सम्यक चारित्रवान है। और नेमी शब्द के भी दो अर्थ है, एक अर्थ है नेमिनाथ भगवान और दूसरा अर्थ है नेमी माने धर्म की धुरा, नेमी रनस्वरीम क्रियात, जिन्होंने धर्म की शाश्वत ध्वजा फहराई है, ऐसे मुनि सुव्रत भगवान हमारा कल्याण करे, हमको अनस्वर शाश्वत धर्म की धुरा प्रदान करे, ऐसा ये द्विसंदान महाकाव्य का मंगलाचरण है। एक बार फिर पढ़ता हूं, इंद्र वज्र चंद्र है ये। श्रियम जगत बोध विदौ विहायसी, व्यदीपि नक्षत्र मिवैक मुद्गतम, सयस्य वस्तीर्थ रथस्य सुव्रतः, प्रवर्तको नेमि रनस्वरीं क्रियात। तो ये इसका मंगलाचरण हुआ। अब आपको मैं नाम माला का मंगलाचरण भी दिखाना चाहता हूँ, बहुत अच्छा है।
नाम माला का मंगलाचरण भी देखो आप। तन नमामि परं ज्योति रवांग मनस गोचरम उन्मूलयत्यविद्याम यत् विद्याम उन्मीलयत्यपि। देखो तन नमामि, ये नमामि होना चाहिए, नामामि छप गया, ने के साथ आ की मात्रा गलत छप गई है, नहीं होनी चाहिए, नमामि होना चाहिए। तन नमामि परं ज्योति, मैं उस परम ज्योति को नमस्कार करता हूं जो मन और, हाँ ये गलत है, अवांग मानस गोचरम, जो मन और वाणी से गोचर नहीं है, मन और वाणी का विषय नहीं बन सकती है, उस ज्योति को मैं नमस्कार करता हूं। और भाषा देखो, अब नीचे की पंक्ति देखो आप, क्या क्या कवि है, कैसे कवि है भैया। मैं तो थोड़ा सा इशारा कर रहा हूं, जब तक आप इसको पढ़ोगे नहीं, ये थोड़ा चर्चा में नहीं आएगा, तब तक आपको आनंद नहीं आएगा। और जैन साहित्य क्या है, जैन वांग में क्या है, इसकी आपको महिमा नहीं आएगी। लोग बाग दूसरे संस्कृत कवियों पर लट्टू होते हैं, कहते हैं जैन जैन साहित्य में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले बहुत हुए हैं। उनको जरा एक दफे धनंजय कवि पढ़ना चाहिए, उनको पता चलेगा जैन साहित्य में कैसे कैसे प्रतिभाशाली कवि महाकवि दिखते हैं। तन नमामि परं ज्योति रमांग मनस गोचरम उन्मूलयति अविद्याम यत्, जो अविद्या का उन्मूलन करते हैं, और विद्याम उन्मीलयत्यपि। देखो क्या कला है, अरे आप रीझ जाओ, ऐसा है। उन्मूलयति अविद्याम, जो विद्या का उन्मूलन करते हैं और विद्या का उन्मीलन करते हैं। अगर अगर थोड़ी सी कला ना हो तो बात कुछ का कुछ हो जाए। पांडित्य चाहिए बड़ा गहरा। शब्द विद्या देखो, दो शब्द है, एक शब्द है उन्मूलन और एक शब्द है उन्मीलन। एक शब्द फिर सुनो, एक शब्द है उन्मूलन और एक है उन्मीलन। कितना अंतर है, बिल्कुल उल्टा है। अविद्या का उन्मूलन करते हैं और विद्या का उन्मीलन करते हैं। उन्मीलन का अर्थ होता है खिलाना और उन्मीलन का अर्थ होता है नष्ट करना। पुष्प का उन्मीलन करना और पुष्प का उन्मीलन करना, दोनों में बड़ा फर्क है। लाइट बिजली का उन्मीलन करना और बिजली का उन्मूलन करना, दोनों में बड़ा अंतर है, विलोम है, उल्टा है। तन नमामि परं ज्योति अवांग मनस गोचरम उन्मीलयत्य विद्याम यत् विद्याम उन्मीलयत्यपि। ये श्लोक भी ये बता रहा है कि यहां शब्द की ही चर्चा होने वाली है, कि एक उन्मूलन है और एक उन्मूलन है, कितना अंतर है दोनों में। और जो मंगलाचरण किया अवांग मनस, ए उपसर्ग लगाने दीपाली जी, तन नमामि परं ज्योति रवांग मनस गोचरम उन्मीलयत्य विद्याम यत् विद्याम उन्मीलयत्यपि। सार्वजनिक मंगलाचरण है, नाम लेकर नहीं किया, पर्टिकुलर किसी एक को नहीं किया। ये नाम माला सारे संसार में पढ़ी पढ़ाई जाती थी, केवल जैन विद्यालय में नहीं, संसार की हर यूनिवर्सिटी में नाम माला पढ़ी पढ़ाई जाती थी। इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, इस पर चिंतन करना चाहिए। अभी और बहुत सारी बात है,
पर मेरा समय पूरा हो गया, आप लोग कुछ कहो तो कहो, और मुझे कुछ और बातें कहनी है वो मैं कल कहूंगा। देखो संदेश भैया, कुछ आनंद आया, क्या सीखा, क्या अनुभव हुआ, सुनील जी सुनाएंगे, कैसा लगा बताओ भैया। महाकवि धनंजय, गृहस्थ होकर के इतने उच्च कोटि के विद्वान बना जा सकता है, कुछ तो प्रेरणा ग्रहण करो। मेरे 1000 साथी तो ग्रहण करो, मैं उनके लिए ही ज्यादा सुना रहा हूं। अपने विद्यालयों के सब शास्त्री आचार्य तो कुछ प्रेरणा ग्रहण करो। चलो हाँ संदेश भैया। भाई साहब जय जिनेन्द्र। हाँ सुनाओ साहब सुनाओ। बहुत सुंदर अनुसंधान काव्य के संदर्भ में धनंजय की सर्वप्रथम रचना, बात सुन करके रोमांचित हो गए बिल्कुल। कवि कवि जगन्नाथ के भी भाई साहब अनुसंधान काव्य है ना, बताया ना अभी मैंने बताया। हाँ आप शुरू शुरू में नहीं होंगे। हाँ ये तो सुना मैंने। हाँ, ये जगन्नाथ जगन्नाथ की रचना है ना ये। हाँ जगन्नाथ की रचना है, चतुर्विंशति संधान काव्य, 400 साल पहले लिखा जैन कवि। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ मतलब क्या विद्वत्ता, संस्कृत में है पूरा। क्या विद्वत्ता होगी कि एक एक श्लोक में 2400 तीर्थंकरों का अर्थ। हाँ सच में। हाँ ये नाम माला का विद्वत्ता का बहुत ह्रास हो गया है, और ये सही, बहुत चिंताजनक बात है, इसीलिए मैं डिंडोरा पीट रहा हूँ। नहीं ये साहित्यिक पीड़ा है आपकी कि ऐसे हाँ। जो साहित्यिक विरासतें हैं उनको सच में हमें अपनाना चाहिए, और इतने प्राचीन कवियों की जो मूल कृतियां हैं उनका बहुत गहराई से अध्ययन स्वाध्याय होना चाहिए। ये उन्मूलन और उन्मिलन में जो आपने निकाला बहुत जोरदार, ये उनका व्याकरण विद जो व्यक्तित्व है वो हमें ख्याल में आता है। आवाज आ रही कानो? एक मिनट मैं एक बार अभी आवाज नहीं आ रही संदेश। हाँ अब आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। हाँ इस प्रकार अभी हमने आदरणीय भाई साहब के माध्यम से महाकवि धनंजय के कर्तृत्व पर हमने उनके विचार सुने, और कैसे गौरवशाली व्यक्तित्व हमारे जैन शासन में हुए हैं
पहला संस्कृत का द्विसंधान महाकाव्य उनके द्वारा लिखा गया, और आचार्यों के साथ जिनका नाम प्रयोग हुआ, आचार्यों ने जिनका नाम प्रयोग किया, वास्तव में उनकी काव्य शैली अद्भुत है। एक ही शब्दों में दो दो तरह के अर्थ, दो अलग अर्थ निकाल देना, ये अपने आप में एक अद्भुत बात है। इनका विशेष परिचय और भी हम कल आदरणीय भाई साहब के माध्यम से 4:40 पे कल का व्याख्यान रहेगा। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो ढोक।